स्टूडेंट्स, आम दिव्या कथिर एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसमें फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने देख लिया है हमारा कॉपरेटिव सोसाइटी। आज हम लोग नया फॉर्म शुरू करने वाला है और वो ज़्यादातर जनरली मतलब पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एंड इज दैट इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बुलाते हैं कंपनी, क्लियर। और वो है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी और हम लोग सिर्फ उसको प्रोनाउंस करते हैं कंपनी या तो फिर हम लोग सिर्फ कंपनी के नाम से ही उसको जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, क्लियर। तो कंपनी के बारे में आज हम लोग जानने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी की कंपनी एग्जैक्टली है क्या, क्लियर। तो फर्स्ट वन है कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी फॉर्मर एक्ट, यानी कि हम लोग कंपनी उसे कह पाएंगे कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही और वही कंपनी हो पाएगी, क्लियर। यानी कि कंपनी बनाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और वो किसके अंदर होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 या तो फिर कोई और फॉर्मर एक्ट है उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, क्लियर। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस बाई लॉ विथ कॉमन गोल। लो के आइज में, यानी कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो एट दैट टाइम से ही जो हमारा कंपनी है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी दिया जाता है, यानी कि वो एक लीगल पर्सन है लो के आइज में, क्लियर। हाँ, वो एक मतलब जैसा जागता है लिविंग इंसान नहीं है, लेकिन वो लो के आइज में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल इनविजिबल एंड इनटेंजिबल पर्सन इन आइज ऑफ लो, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते या फिर छू नहीं सकते या फिर उसको देख नहीं सकते। हाँ, उसका जो बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं, लेकिन उसका जो पर्सनालिटी है उसको हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन ऑलरेडी वो लोग की आइज में उसका एग्जिस्टेंस है, क्लियर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। तो फर्स्ट वन है लीगल पर्सनालिटी। जैसे अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि जब भी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको एक लीगल पर्सनालिटी मिलता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, क्लियर। कंपनी गेट अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी विथ इट्स रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब भी वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका रजिस्टर्ड हो जाएगा, देन आफ्टर वो एक लीगल पर्सन बन जाएगा, क्लियर, इन आई ऑफ लॉ। कंपनी कैन शू इन इट्स ओन नेम, यानी कि कंपनी किसी के खिलाफ शू भी कर सकता है, केस भी कर सकता है कोर्ट में। कैन एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंपनी अपने खुद के नेम से कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकता है, क्लियर। तो ऐसे यानी कि कंपनी के नेम से हम लोग किसी के खिलाफ केस भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे कंपनी के पास एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, लीगल एंटिटी उसके पास अवेलेबल है, क्लियर। सेकेंड वन है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि उसको एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी मिल जाता है तो उसका एक एग्जिस्टेंस भी है कि किसी के मरने आने जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी बाय लॉ, इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द सर्कमस्टेंसेस, लाइक उसको ऐसे सिचुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी? तो कि डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर, यानी कि कोई मर जाता है, कोई एंटर होता है, कोई जाता है, तो उसके वजह से कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। फिर थर्ड वन है डिविजन ऑफ अ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शन। अब हम लोगों ने सुना होगा कि जब भी कंपनी नई शुरू होती है या फिर जैसे कंपनी को कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो वो शेयर इश्यू करती है, हम लोगों ने जनरली सुना है ये सब कुछ, क्लियर। तो शेयर होता क्या है? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स, यानी कंपनी अपना जो कैपिटल है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है और ये ईच स्मॉल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं, क्लियर। कंपनी कैन रेज द कैपिटल फंड थ्रू द इश्यू ऑफ अ शेयर। अगर कंपनी को अपना कैपिटल इंक्रीज करना है तो उसको क्या इश्यू करना पड़ेगा? शेयर इश्यू करना पड़ेगा, क्लियर। द परचेजर ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो लोग हमारे शेयर परचेज करते हैं हमारी कंपनी के तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? शेयर होल्डर बन जाएंगे, क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन हमारा है वो है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। इट मीन्स कि अगर आप किसी के शेयर परचेज करते हो तो आप इजीली उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो और ये एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, उसके वजह से ज़्यादा शेयर होल्डर कलेक्ट होने के चांसेस भी हमारे पास हो सकते हैं, क्योंकि जिसको जब रिक्वायरमेंट है वो परचेस करेगा, नहीं रिक्वायरमेंट है तो उसको ट्रांसफर भी कर सकता है। इट मीन्स कि किसी को सेल कर सकता है। शेयर होल्डर कैन सेल एंड परचेज द शेयर विथ ईजी प्रोसेस,
उसका बहुत एक इजी प्रोसेस है वो, और वो इजीली ये सब कुछ कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ अ शेयर इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेज होने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई चलो उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, फिर देन आफ्टर अगर उसको रिक्वायरमेंट है पैसों की तो वो उसको बेच भी सकता होना चाहिए, तो वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऐसा ही होता है कि आप जब भी शेयर परचेस करना चाहो कर सकते हो, आप जब भी उसको सेल करना चाहो तो सेल भी कर सकते हो। क्लियर? फिर देन आफ्टर है कॉमन सेल। हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बिजनेस है, जिसमें कॉमन सेल का ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये कॉमन सेल क्या दिखाता है, तो एक कंपनी का एक लोगो जैसा होता है वन टाइप ऑफ, कि जिसमें हर पेपर में या फिर हर कोई डॉक्यूमेंट है वहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करते हैं। क्लियर? द सेल इज अफिक्स्ड ऑन द, ये सेल हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, तो कि कॉन्ट्रैक्ट्स है, शेयर सर्टिफिकेट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है। इट्स अ वन टाइप ऑफ अ कंसर्न ऑफ द कंपनी। अगर कोई पेपर के ऊपर उसका सेल लगा हुआ है, इट मीन्स क्या होगा कि ये कंपनी का परमिशन है, कंसर्ट है। क्लियर? फिर देन आफ्टर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोगों ने ज़्यादातर सुना होगा कि भाई कंपनी में डायरेक्टर्स मैनेजमेंट करते हैं, तो ये डायरेक्टर क्या होते हैं, तो कि बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। गाइस जब भी कंपनी फ्रेम हुआ होगा, बना होगा, तब हमें ये दो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं कंपनी रजिस्ट्रार की ऑफिस में, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम जो होता है वो एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे उसको क्या करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए उसका मैनेजमेंट करना है। क्लियर? द शेयर होल्डर इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव अमॉन्ग देम सेल्फ हु इज कॉल्ड डायरेक्टर। शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपने में से ही एक डायरेक्टर को इलेक्ट करेंगे और उसको क्या बनाएंगे, डायरेक्टर बनाएंगे एज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। और ऐसे ही डायरेक्टर का अगर हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? दस द ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। यहाँ पे क्या है गाइस, तो कि ऑनरशिप भी अलग चीज़ है और मैनेजमेंट भी अलग चीज़ है। मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनर है वही करेगा, मैनेजमेंट वही करेगा जो स्किलफुल होगा, एबल होगा, जिसने शेयर होल्डर ने उसको इलेक्ट किया है। क्लियर? वही लोग वहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनर है उसके पास ये मैनेजमेंट की सारी स्किल अवेलेबल होगी ही होगी। क्लियर? तो हमें ये खास याद रखना है कि यहाँ पे ऑनरशिप और मैनेजमेंट क्या है, दो सेपरेट चीज़ें हैं। फिर देन आफ्टर है स्टेटस ऑफ मेंबर। स्टेटस ऑफ मेंबर में क्या होगा गाइस, तो कि नाइदर अ मेंबर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी नॉर कैन अ कंपनी बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अ मेंबर। यानी कि जो कोई मेंबर्स हमारे यहाँ पे है वो कंपनी के नेम को यूज़ करते हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का उसके पास राइट नहीं है। हाँ, वो अपने खुद के नाम से साइन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का नाम उसको यूज़ करने का परमिशन नहीं है। सेम एज इट इज़, कंपनी अपने कोई भी मेंबर्स के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी मेंबर अगर कुछ भी काम करता है और अगर उसका लायबिलिटी बनता है तो वो कंपनी का लायबिलिटी नहीं है, वो मेंबर का लायबिलिटी है। क्यों? बिकॉज ऑनरशिप और मैनेजमेंट क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर? फिर देन आफ्टर है नंबर ऑफ मेंबर। हमारे कंपनी में कितने मेंबर्स रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, तो कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग चाहिए शुरू करने के लिए, और मैक्सिमम 200 तक लोग हम लोग ले सकते हैं। और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7% चाहिए और मैक्सिमम के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर गाइस? फिर देन आफ्टर है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर्स का लायबिलिटी कैसे रहेगा, कहाँ तक रहेगा, तो कंपनी में ज़्यादातर जनरली 2 टाइप्स होते हैं, एक तो लिमिटेड, एक अनलिमिटेड। अगर आप लिमिटेड कंपनी के शेयर परचेस करते हो तो आप लिमिटेड लायबिलिटी के साथ जा सकते हो, और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है लेकिन जनरली ये बहुत ही रेयर केस में दिखाई देती है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। क्लियर? लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर मे बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर जो हमारी कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर है तो हमारे शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसे होगी, लिमिटेड होगी। जहाँ तक उसने शेयर परचेज किए हैं वहाँ तक उसकी लिमिटेड होगी। कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटीज आर रेयरली सीन इन रियलिटी। रियलिटी में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम लोगों ने अभी नेक्स्ट आगे के पॉइंट में जब भी देखा कि जब भी मैनेजमेंट करेंगे बीओडी तो उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा।
तो जो हमारे यहाँ पे शेयर होल्डर्स रहेंगे फ्यूचर में आने वाले हैं या फिर आएंगे या फिर अभी हमारे पास है, तो उसका लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा, कहाँ तक लिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड है, कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, वो सब कुछ कहाँ पे मेंशन होगा, तो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्लियर? फिर देन आफ्टर है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंपनी को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई एक लिविंग पर्सन नहीं है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि कंपनी सिटीजनशिप उसको नहीं मिलती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ के अकॉर्डिंग, बस उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती, तो इसके हिसाब से उसको कोई फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलेंगे। और लास्ट वन हमारा है वोटिंग राइट पर शेयर, एंड अगेन इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था कि वोटिंग राइट पर मेंबर मिल रहा था, और यहाँ पे क्या है तो कि वोटिंग राइट पर शेयर मिलेगा आपको। क्लियर? तो ये ज़्यादातर यहाँ पे फायदा करता है, तो लोग ज़्यादातर ऐसे ही कंपनी के शेयर क्यों नहीं परचेज करते, क्योंकि वो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें वोटिंग राइट, हमारे जितने शेयर होंगे ना उसके हिसाब से मिलेंगे। और कॉपरेटिव में क्या होता है कि आपको वोटिंग राइट आपके शेयर है उसके हिसाब से नहीं, आपके 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, डजेंट मैटर, आपको एक ही वोट मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा शेयर ज़्यादा वोट, कम शेयर कम वोट। क्लियर? वोटिंग राइट पर शेयर नॉट पर मेंबर, एंड अगेन इट्स ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास अभी जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे उसमें टू मोस्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, और वो कौन सा है, फर्स्ट वन एक तो आप इजी ट्रांसफर कर सकते हो, और सेकेंड वन कि आपको वोटिंग राइट पर शेयर मिलता है। क्लियर गाइस? तो ये हो गए हमारे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि उसको कैसे रिमेंबर करना है। तो फर्स्ट वन हम लोगों ने देखा था कि लीगल पर्सनालिटी। अब हमें इतना तो पता चल गया कि जब भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीगल पर्सनालिटी हो जाएगा। क्लियर? अब लीगल पर्सनालिटी है तो उसका एक एग्जिस्टेंस भी है, और वो कैसा है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्लियर? किसी के आने जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाया, लीगल पर्सनालिटी मिल गया, और क्या हो गया, परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो गया। क्लियर? अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस उसका है, अब शेयर भी तो इश्यू करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो कि डिवीजन ऑफ अ कैपिटल इनटू स्मॉल फ्रैक्शन, हम क्या करेंगे, हमारे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्लियर? लीगल पर्सनालिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड डिवीजन ऑफ अ कैपिटल इनटू स्मॉल फ्रैक्शन। फिर देन आफ्टर है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब जिसने शेयर परचेज किया है जरूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम रखेगा, सेल भी तो कर सकता है, तो इजी ट्रांसफर। क्लियर गाइस? फर्स्ट वन हमारा कौन सा था, तो कि लीगल पर्सनालिटी, फिर परपेचुअल एग्जिस्टेंस, फिर स्मॉल पार्ट में उसको कन्वर्ट करना है, और इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्लियर? ये चार पॉइंट हमारे हो गए। फिर देन आफ्टर है उसको कंसर्ट देने के लिए कंपनी का लोगो भी होगा, तो वो क्या होगा, कॉमन सील। उसके कुछ मैनेजमेंट के रूल्स भी होंगे, तो मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, कॉमन सील मैनेजमेंट। फिर स्टेटस ऑफ मेंबर, मेंबर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और फिर नंबर ऑफ मेंबर। क्लियर? पहले चार हम लोगों ने देख लिए थे, बाकी के चार हमारे क्या थे, तो कि कॉमन सील और मैनेजमेंट, फिर स्टेटस ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ मेंबर। क्लियर? ये चार अगेन हो गए हमारे। अब बाकी हमारे थ्री, तो कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर, फंडामेंटल राइट एंड वोटिंग राइट पर शेयर। क्लियर गाइस? तो आप ऐसे चार चार और तीन करके रिमेंबर करोगे तो इजीली रिमेंबर भी रह जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ही रखते हैं, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय गाइस।